देखिए फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं जो है अंधा हूं, मुझे मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी दोनों आंखें खराब है और एक रूम में बैठा हुआ हूं। अब कोई मुझे बता दे कि जिस रूम में आप बैठे हैं उसके ऊपर फैन लगा हुआ है, सामने एसी लगी हुई है, कारपेट ऐसा है, घर में फ्रिज रखी हुई है, ऐसी बहुत सारी चीजें बता दे, तो गरचे मेरे पास कुव्वते बसारत नहीं है, लेकिन मुझे चूंकि आगाह किया गया तो मुझे मालूम हो गया कि इस घर में क्या क्या रखा हुआ है। तो देखिए, मुझे आगाह किया गया है ये चीजें रखा हुआ है, लेकिन मुझे कुव्वते बसारत नहीं दी गई है, यानी देखने की जो कुव्वत है ना, उस वो हमको नहीं दी गई है। तो ये नहीं कह सकता, मैं ये दावा नहीं कर सकता इन चीजों को जानने के बाद कि मेरे पास बसारत का कुव्वत है, यानी मैं कुव्वते बसारत का दावा नहीं कर सकता। मैं ये दावा कर सकता कि ये चीजें मुझे मालूम है, मुझे बताई गई हैं, मुझसे आगाह किया गया है, मैं इनसे वाकिफ हूं, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकती कि मेरे पास कुव्वते बसारत है। जैसे मेरे पास आंख है ना, तो इस आंख को घुमा के पूरे कमरे को देख सकता हूँ, सामने क्या है, दाएं क्या है, ये कुव्वते बसारत अल्लाह ने हमको दे दी है, ये बसारत मेरे पास एक पावर है, कुव्वते बसारत है। लेकिन अगर किसी ने, मैं अंधा हूं मेरे पास आंखें नहीं, किसी ने हमको बता दिया, तो हम ये मान सकते हैं, मैं ये दावा करूंगा कि मुझे ये चीजें पता है, लेकिन मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मेरे पास कुव्वते बसारत है। ऐसे इल्मे गैब और इत्तला अलल गैब का फर्क है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुव्वते इदराक नहीं दिया गया है, न किसी नबी को न किसी, ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, बाकी आगाह किया गया है, इससे हम इनकार नहीं करते। तो जितनी आयतें हमारे भाई लोग पढ़ते हैं, जितनी हदीसें पढ़ते हैं, उन तमाम आयत, उन तमाम अहादीस में आपको क्या मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया गया। तो गैबी मामले पर, गैबी उमूर पर आगाह करना और गैब का इल्म होना, दोनों में फर्क है। तो हम इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मानते, अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्मे गैब नहीं। बाकी गैबी उमूर पर आगाही, तो गैबी उमूर पर आगाही फरिश्तों को भी है, अल्लाह ताला के नबियों को भी है, सहाबे इकराम को भी है, हत्ता कि मुझे और आपको भी है, मुझे और आपको भी है। तो ये दर्जात में फर्क हो सकता है कि किसी को आगाही ज्यादा है, किसी को कम है। बताइए, अब मैं और आप, हम बात कर रहे हैं, कम से कम हम लोगों को इतना तो मालूम है ना कि जन्नत है, जहन्नम है, कब्र में अजाब होता है, पहले आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उनके बच्चे थे काबिल हाबिल। देखिए, मैं कान का बता रहा हूँ, मकान यानी पहले जो हो चुका है, पहले क्या हो चुका, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनके बेटे थे काबिल हाबिल, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, फिर कितने अंबिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ का पूरा किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा जो सूरह यूसुफ में मौजूद है। हमने मकान के बारे में कितनी ज्यादा, कितना ज्यादा मालूम रखते हैं, और मा यकून के बारे में, फ्यूचर में क्यामत आएगी, दज्जाल आएगा, क्यामत की निशानी हम जानते हैं कि दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद महशर में सब लोग इकट्ठा होंगे, अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। ये फ्यूचर का इल्म, ये फ्यूचर के बारे में हमारे पास आ गई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये दावा कर लें कि हमारे पास इल्म है गैब। अब बताइए, मैं मकान के बारे में इतना जानता हूँ, मा यकून के बारे में इतना जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन हम और आप बैठ के इतना जानने के बाद ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे पास इल्म है गैब। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें बताई गई हैं, हमारे अंदर कोई कुव्वत इदराक नहीं है, हमें उल्मा के जरिए पता चली है, मुहद्दिसीन के जरिए पता चली, मुहद्दिसीन ने अपने अपने उस्तादों को, उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने सहाबा से, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से। तो ये बातें नकल होते होते आई हैं, इसकी बुनियाद पर हम इल्म गैब का दावा नहीं कर सकते। तो शॉर्ट में मैं वजाहत करता हूँ, मुख्तसर करता हूँ कि इल्म गैब नहीं किसी के पास अल्लाह के अलावा, बाकी गैबी उमूर पर आगाही हर एक को है, हर मुसलमान को है, बल्कि कोई मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर वो गैब पर, गैबी उमूर पर आगाह नहीं है, उस पर उसको ईमान नहीं है। सिर्फ आगाह उसको किया गया, उसको ईमान लाना है, मानना है, जन्नत है उसे मानना है, जहन्नम है उसे मानना है, अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया, सब मकान की बात है, उन सारे नबियों पर ईमान लाना जरूरी है, उन सारे नबियों पर जो किताब नाजिर की गई वो, उस पर ईमान लाना जरूरी है, इन फ्यूचर दज्जाल आएगा उस पर ईमान लाना जरूरी है, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे उन पर ईमान लाना जरूरी है। तो न सिर्फ ये कि हर मुसलमान गैबी उमूर पर आगाह है, बल्कि उस पर ईमान रखता है, अगर वो ईमान ना रखे तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास इल्मे गैब है। तो ये फर्क है कि इल्मे गैब किसी के पास नहीं अल्लाह के अलावा, बाकी गैबी उमूर पर आगाही है, फरिश्तों को भी है, अंबिया को है, सहाबे कराम को, हमको, आपको, सारे मुसलमान को है, बस उसमें मिकदार में फर्क हो सकता है कम ज्यादा, बाकी सबके पास है।